शिक्षा में सुधार और अच्छी शिक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है कि 40 से कम नामांकन वाले विद्यालयों को जांच के उपरांत बंद कर दिया जाए तथा वहां के बच्चों को दूसरे विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाए, जिससे कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकेगा, साथ ही साथ बच्चों की शिक्षा में भी गुणात्मक सुधार आएगा। जिसमें डायस जो हम लोग एंट्री कराते हैं उसमें 40 से कम बच्चे हैं। आप जानते हैं कि 40 बच्चे होने चाहिए किसी भी स्कूल में उसकी स्थापना के लिए, यही उसका क्राइटेरिया प्राइमरी स्कूल की स्थापना। तो जो डायस एंट्री होता है हमारे यहाँ हर साल, उसमें उस स्कूल का 40 से कम नामांकन। 11 स्कूल ऐसे इस जिले में हैं जिसका हम लोगों को स्टेट से आदेश आया है कि आप इसका भौतिक सत्यापन करा लें सही में नामांकन की क्या स्थिति है, क्योंकि कभी कभी हेडमास्टर जो होते हैं स्कूल के वो एंट्री करने में गलती कर देते हैं जिसके चलते नामांकन का सही फिगर नहीं आ पाता है। तो उसके लिए हम लोग एक टीम बना दिए हैं और वो टीम अभी जाके जाँच कर रही है उन विद्यालयों की। आज भी वो टीम रुपौली गई हुई है, तो जांच करके जो हम लोग का मंतव्य के साथ हमको रिपोर्ट हमसे मांगा गया है, तो जांच के पश्चात जो स्थिति आएगी उसके हिसाब से ही हम आपको बता पाएंगे कि सही में कितने स्कूल इसमें से बंद हो। 11 स्कूल इस जिले में। सर, अपने पूर्णिया सदर इलाके में भी कोई स्कूल है? सदर का नहीं है, ये पूर्णिया पूर्व में है और आपको रुपौली में है।